रोड पर है। ऐसे में गाजियाबाद से लगे तमाम मोटर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। खासकर दिल्ली से आने वाले तमाम वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। केन्यू संवाददाता ने इसका जायजा लिया। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम जीटी रोड पर मौजूद हैं। पुलिस बल भी यहाँ तैनात है, ट्रैफिक पुलिस को यहाँ लगाया हुआ है। लगातार ट्रैफिक पुलिस यहाँ चेकिंग कर रही है, लोगों से अपील कर रही है, लोगों को समझा रही है, लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचें, क्योंकि गाजियाबाद में अब तक 46 मामले कोरोना वायरस के पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिसमें से 10 लोग ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद की जनता है उसके लिए एक अच्छी भी खबर है और एक कहीं ना कहीं एक दुखी की भी खबर है, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी को लेकर जो गाजियाबाद की जनता है उससे अब गाजियाबाद पुलिस ने अपील भी तेज कर दी है और लोगों से अलग अलग तरीके से अपील कर रही है। किसी को समझा रही है, किसी के हाथ जोड़ रही है कि आपके मास्क लगाएं, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें। आप देख सकते हैं ये छोटे बच्चा है, उसको लेकर अपने घर से निकले हैं, तो उससे ये अपील कर रहे हैं, उससे हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि इनका मेन उद्देश्य ये है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सके। सीधे इनसे बात करने की कोशिश करते हैं इनसे। सर मेरा नाम ओमकार सिंह सहरावत है। जी, किस तरीके से आप कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं? हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप ज़्यादातर घर में रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, और इसके सापेक्ष में हम श्रीमान कमांडर महोदय, हमारे SSP महोदय, DM महोदय भी लगातार भ्रमण पे रहते हैं, जो समय समय पर उनके निर्देशों का हम पालन कराते रहते हैं। कुछ लोग हैं जो बिना वजह घूमते हैं तो उनके चालान भी काटते हैं। अपील किस तरीके से करते हैं आप लोगों से, क्योंकि पुलिस अब नए नए तरीके ढूंढ रही है अपील करने के? हमारा तो सबसे सीधा और सरल यही है कि हम हाथ जोड़ करके निवेदन के साथ कहते हैं कि आप लोग घर में रहिए। इसके संक्रमण को देखते हुए ये इस समय ग्राफ इसका थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये केवल घर से बाहर निकलने पर, ज़्यादा लोगों से मिलने पर ही इसका खतरा बढ़ रहा है। तो लिहाजा आप हाथ जोड़ करके अपील है जनता से कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर कोई इसको नहीं मानना है तो फिर हम लोग सख्ताई के साथ इसका पालन कराने के लिए बाध्य है। तो लगातार जो गाजियाबाद पुलिस है वो लोगों से अपील कर रही है, और जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। तो लगातार के न्यूज़ भी आपसे अपील कर रहा है कि अपने घरों के अंदर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचें। सोनू खान, के न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद।